दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। सावन का पर्व चढ़ चुका है और हम आ गए हैं पंडित प्रकाश मिश्र के पास और जानेंगे कि सावन की क्या महत्व है। जिस तरीके से इस बार जो सावन का जो माह है दो माह का है और सभी लोग असमंजस में हैं कि कब हम सावन में बाबा का दर्शन करें, तो सीधे तौर पर चलते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ है। ये बताइए कि जिस तरीके से सावन का महीना दो महीने का लगा हुआ है, क्या महत्व है सावन का इस। नमस्कार। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं काशी से पंडित प्रकाश मिश्र आपको बताने जा रहा हूँ कि सावन हिंदुओं का पवित्र त्यौहार, पवित्र संस्कार जो होता है वो सावन इस बार दो महीने का पड़ने जा रहा है और ये दो महीने का सावन 19 साल के बाद पड़ रहा है। कितने भाग्यवान हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि जो दो महीने भगवान शिव की पूजा आराध्य और उनका पूजन अर्चन और जलाभिषेक करने का मौका मिलेगा। ये जो सावन है, ये श्रावण की प्रतिपदा से शुरू होकर 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलने वाला ये पवित्र माह हम लोग के लिए बड़ा ही भाग्यशाली होने वाला है। इस सावन माह में प्रत्येक सनातन धर्मी अपनी प्रत्येक इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है भगवान के विशेष विशेष प्रकार से पूजन अर्चन और जलाभिषेक करने के बाद। गुरु जी, जिस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, भक्त हैं, वो कह रहे हैं कि 15 दिन पहले इसमें इस महीने में करना है पूजा और जो शेष बच रहा है 15 उस, तो ये जो अड़चने हैं, जो दिक्कतें हैं उसको स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, भगवान क्या है कि जो दो माह का सावन पड़ता है, ये हिंदू जो कैलेंडर उसके हिसाब से हर 3 साल के बाद आता है। अब इसमें जो दो महीने का है, देखिए सावन हमारा दो महीने का है, दो महीने ही पूरा पूजा करना है, बड़े भाग्यवान है। देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो मेन प्रधान देवता है वो भगवान विष्णु है, जिनकी पूजा मानने से धर्म अर्थ काम की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भाई ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है, ब्रह्मा ने उत्पत्ति कर दिया, विष्णु के पास धर्म अर्थ काम है और शिव के पास मोक्ष है, तो भगवान से मोक्ष देने वाले हैं। अब की क्या है कि अधिक मास में जो पड़ रहा है तो इसमें आप अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की गति पाने के हिसाब से आप भगवान शिव और जो मलमास जो 18 जुलाई से शुरू हो रहा है 31 अगस्त तक, इसमें हरि हराय नमः या ओम हरि हर नमो नमः का जप करें। हरि कौन? हरि भगवान विष्णु। हर कौन? भगवान शिव। तो ये सावन में आपको विष्णु और भगवान शिव, होता क्या है कि जब भगवान इस समय भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं भगवान विष्णु, तो कौन प्रधान देवता होते हैं? प्रधान देवता हो गए भगवान शिव। तो जब भगवान शिव प्रधान देवता हो गए तो उन्हीं की पूजा होती है। और सावन में मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी ने भगवान शिव की पूजा करके अमृत प्राप्त कर लिया। उनके मंत्र के जप से और भगवान शिव के प्रताप से यमराज भी नतमस्तक हो गए, वो भी वहाँ से उनको अभयदान दे के चले गए। इसी सावन में समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में विष निकला, उस विष को भगवान शिव ने ले लिया। अब क्या वो नीलकंठ हो गया? उस नीलकंठ को, उस विष को शांत करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने जलाभिषेक किया। तो सावन में जलाभिषेक का इसलिए बड़ा महत्व है, पूजन का इसलिए बड़ा महत्व है, क्योंकि वो नीलकंठ इसी से कह रहा है। इसी सावन में आपके जो भी पूजा करता है, जो भी जलाभिषेक करता है, अर्पण करता है, उसको उसके तत्वों की प्राप्ति होती है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, भगवान शिव क्या है? जल तत्व। और जल तत्व और उनके जलाभिषेक का बड़ा ही ज़्यादा महत्व है। इस बार सावन 8 सोमवार पड़ रहा है, 8 सोमवार पड़ रहा है, 10 तारीख को, 17 को, 24 को, 31 जुलाई, फिर 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28 अगस्त। तो ये 8 सोमवार को अगर आप 8 विशेष प्रकार की चीज़ों से भगवान का अभिषेक करेंगे तो उसकी आपको ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। बहुत सारे भक्त ये भी कह रहे हैं कि सावन का जो ये महीना है, लगातार ये जो दो महीने का है वो तो स्पष्ट हो गया, लेकिन पूजा पाठ का क्या वो रहेगा, जिस तरीके से भक्त लोग पूजा करें जिससे उनको ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त हो? देखिए, सावन महीना जो होता है ये साधक के लिए, साधु संतों के लिए, सिद्धि प्राप्त करने वालों के लिए अद्भुत महीना होता है। वो दो महीना, एक महीना सावन, अब की दो महीना सावन अपने को तपा के पूरे साल वो स्वस्थ और चीर का जवान और अपनी समस्त शक्तियों को जागृत करना और
दुनिया की सारी चीजों को प्राप्ति कर सकते हैं। इस सावन में जो पुरस्चरण करते हैं मंत्रों का, जो कहा जाता है, भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। एक व्यक्ति की जो श्वास चलती है वो 21,600 बार चलती है। 24,000 मंत्रों का पुरस्चरण किया हुआ है, तो 24,000 मंत्रों का पुरस्चरण क्या है? अगर इस सावन में 24,000 मंत्रों का पुरस्चरण किए देखा जाए, ये कोई भी साधक या कोई भी तपस्वी या कोई भी शिक्षार्थी विद्यार्थी जो इस विद्या को प्राप्त करना चाहता है, धन अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, तो अपनी राशि के जप को, राशि के मंत्र को जान के उसका का पुरस्चरण करें या गायत्री का पुरस्चरण करें तो उनको अभिसिद्धि प्राप्ति होती है। अब ये क्या है, 21,600 आदमी के श्वास का मंत्र होता है, तो 21,600 क्या होगा, 20 माला हो गई, 108 माला से 20 माला का जप, 21,600 का दशांश हो गया हवन, हवन का 2160 मंत्र जप, उसका दशांश हो गया 210 तर्पण, और उसका 21 हो गया मार्जन, और उसका 2 हो गया ब्राह्मण भोजन। ये पूरा जब आप टोटल करेंगे तो ये 24,000 मंत्रों की ये श्रृंखला है जो करने से एक पुरस्चरण होता है। तो अगर कोई इस सावन में अगर 5 माला भी गायत्री जपता है प्रतिदिन, तो उसको 40 दिन का समय मिलता है। आराम से 40 दिन में वो एक गायत्री पुरस्चरण या अपने मंत्र का पुरस्चरण करके अपनी अभिसिद्धि को, अपने ब्राह्मणत्व को, अपने कर्म को, अपने योग को, अपने कुंडलिनी को जागरण कर सकता है। और 21,600 मंत्रों का भी अलग अलग भेद है कुंडली में, तो ये इतना बढ़िया समय मिल रहा है सावन का अभिसिद्धि के लिए। दूसरा, प्रत्येक गृहस्थ को अगर जो नहीं कर सकता है तो उसको अपने कुंडली दोष को मिटाने के लिए, काल सर दोष को मिटाने के लिए, पितृ दोष को मिटाने के लिए, वो अगर खड़ा चावल अक्षत, जिसे कहा जाता है बिना टूटा हुआ अक्षत, खड़ा चावल लेके बासमती, काला तिल, दूध, गंगा जल, एक रुद्राक्ष, रुद्राक्ष मोक्ष का प्रतीक है, चावल इच्छाओं का लक्ष्मी का प्रतीक है, तिल बुरी चीज़ों को हटाने का प्रतीक है, दूध शांति सुख का प्रतीक है, गंगा जल अमृत का प्रतीक है, इन चीज़ों में भस्मी अश्वगंध बेलपत्र जो भी मिला, धतूरा जो मिला, भांग मिला के एक साथ भगवान शिव को ओम नमः शिवाय और महिलाएं नमः शिवाय के मंत्र से अर्पण करती हैं तो उनको सारे समस्त सुख प्राप्त होते हैं। अब पुरुष ओम नमः शिवाय करके जब छोड़ता है तो सारी चीज़ें प्राप्त हो रही है, और ये 18 जुलाई के बाद ओम हरिहराय नमो नमः करके करता है तो उसे अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त होती है। इसी चौमासा मल मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास जो कह रहे बढ़ने वाला है, इसमें भगवान विष्णु के नाम से 33 की संख्या से मालपुआ है, लाइची है, लौंग है, फल है, आम है, मीठा है, कुछ भी भगवान के भोग्य पदार्थ को ब्राह्मण को संकल्प करके विष्णु के नाम से देने से अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त होती है। और इस समय अगर किसी बाबा को, किसी पंडित ब्राह्मण को अगर ये सब कुछ दान किया जाता है तो भी कहना क्या है, बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। ये अद्भुत सावन का महीना समस्त सुख लेके आने वाला है। ठीक है, तो सावन मास के बारे में पंडित प्रकाश मिश्रा ने जो प्रकाश डाले हैं तो आप देखिए कितना खूबसूरती से बताए हैं कि इस जो महीना है सावन का, हर भक्त के लिए बहुत खास है। तो जिस तरीके से जो भक्ति करना है तो आप भक्ति में लीन होइए, और तमाम और भी सारे अपडेट हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।